नमस्कार दोस्तों, लॉजिकल माइंड यूट्यूब चैनल पर मैं आकाश आपका स्वागत करता हूं। लॉजिकल माइंड पहली का यह पहला पार्ट है। बाकी पार्टों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। आज की हमारी पहली है, पत्थर किसने मारा। एक दिन चार बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे, जिनके नाम थे मार्टिन, टीना, जॉन और स्टीव। तालाब के बीच में एक बड़ी सी चट्टान थी और सभी बच्चों को एक लक्ष्य दिया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर उस चट्टान को मारे। हर एक बच्चे के हाथ में पांच पांच पत्थर दिए गए थे। सबसे पहले मार्टिन आता है, जिसके तीन पत्थर चट्टान को लगते हैं और एक पत्थर तालाब में चला जाता है। उसके बाद जॉन चट्टान को पत्थर मारना शुरू करता है, लेकिन पांचों पत्थरों में से एक भी पत्थर चट्टान को नहीं लगता है। फिर टीना चट्टान को पत्थर मारती है, जिसके दो पत्थर चट्टान को लगते हैं और तीन पत्थर तालाब में चले जाते हैं। आखिर में स्टीव चट्टान को पत्थर मारना शुरू करता है, जिसके सभी पत्थर चट्टान को लगते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में स्टीव जमीन पर गिर जाता है, क्योंकि उसके सिर पर किसी ने पत्थर मारा था। और थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर लॉरेंस आते हैं और वहाँ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ टीना इंस्पेक्टर लॉरेंस को बताती है। टीना की बात सुनकर इंस्पेक्टर लॉरेंस को तुरंत ही पता चल जाता है कि पत्थर किसने मारा है। तो क्या आपको पता चला कि पत्थर किसने मारा है? आपके पास 10 सेकंड का समय है। अगर आपको और समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि पत्थर किसने मारा है? अगर आपको इस पहल का उत्तर पता चला हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर से बताइए। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा हो तो आपको पता चलेगा कि सभी बच्चों ने पांच पांच पत्थर मारे हुए थे, सिवा एक को छोड़कर। तो चले मैं आपको वीडियो फिर से दिखाता हूँ। मार्टिन के तीन पत्थर चट्टान को लगे थे और एक पत्थर तालाब में चला गया था, यानी कि उसने सिर्फ चार ही पत्थर फेंके थे और एक पत्थर उसके पास ही रखा था, जो स्टीव को मारा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह पहेली? आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताइए। और हमारे ऐसे ही मज़ेदार पहेलियों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हम मिलते हैं ऐसी और एक मज़ेदार पहेली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।